तिरुमला तिरुपति के महाप्रसाद पवित्र लड्डू के बनाने और बांटने के केंद्र में हम हैं। ये वो जगह है जहां पर ये महाप्रसाद जो है, जिसके लिए भक्त घंटों की लंबी लाइन लगाकर भगवान के दर्शन के उपरांत यहां आकर प्रसाद लेते हैं, ये वो कॉम्प्लेक्स है। और यहां आप देख सकते हैं कैसे इस तरफ लड्डू काउंटर बना हुआ है, यहीं पर आकर सारे भक्त जो हैं वो लड्डू लेते हैं और यहां से लड्डू लेने के बाद वो अपने अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है। खास बात ये कि यहाँ पर लड्डू बनाने की पूरी प्रक्रिया को काफ़ी गुप्त और काफ़ी शुद्ध रखा जाता है। ये वो गोडाउन है, इस गोडाउन में यहाँ से लड्डू जो है, देखिए कैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फोन नहीं ले जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस है। इस गोडाउन में सामान रॉ मटेरियल यहाँ लाया जाता है, उसके बाद मंदिर के अंदर गर्भगृह के पास उसको किचन है जिसको पोड़ू कहा जाता है, वहाँ पर लड्डू की मेकिंग होती है, मैंने उसको बनाया जाता है। एक्सपर्ट जो है पुजारी जो होते हैं लड्डू बनाने में भाग लेते हैं और उसके बाद लड्डू को बनाने के बाद लेकर यहाँ पर आया जाता है और काउंटर्स को दिया जाता है। वार्ड आप देख सकते हैं कैसे रॉ मटेरियल का यहाँ पर डस्ट भी धूल उड़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को लड्डू मिलता है, लड्डू के लिए कुछ दान लिया जाता है और उसके बाद लड्डू प्रसाद दिया जाता है। इस लड्डू की खासियत हम बताते हैं, लड्डू जो है पहली बार लड्डू प्रसाद भगवान वेंकटेश्वरा को 14वीं सदी में ये मनोहरम कर कर लड्डू प्रसाद के अर्पण का जिक्र पुराणों में है। 1715 में पहली बार जो अभी मौजूदा लड्डू है उस लड्डू का अर्पण भगवान वेंकटेश्वर को किया गया, मौजूदा जो स्थिति में लड्डू है। और उसके बाद से लगातार ये लड्डू भगवान वेंकटेश्वर के प्रसाद के रूप में जाना जाता है और इसी को लोग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कैसे ये प्रसिद्ध प्रसाद है। सर प्रसाद लिया है, कितने लड्डू लिया आपने? 20 लड्डू लिया है। स्पेशल लड्डू है, क्या है इसका यूनिक ने? ओनली स्पेशल लड्डू, ऑल स्पेशल लड्डू, गुड क्वालिटी। तो ऐसे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं, देश से विदेश से। खास बात यह कि श्री टीटीडी से जुड़े जितने मंदिर हैं भगवान वेंकटेश्वर के देश में विदेशों में, वहाँ लड्डू यहीं से जाते हैं। तो ये लड्डू की वो जगह है। इस बीच अगर हम बात करें इस पूरे लड्डू के मिलावट की, जो इंक्वायरी चल रही है, जो जांच चल रही है, उसमें क्या डेवलपमेंट है, तो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको मुख्यमंत्री ने समन किया है। मुख्यमंत्री ने उनको रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर। आज यानी कि दिन शनिवार को टीटीडी के ईओ की मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से उनके कार्यालय में विजयवाड़ा में, और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, क्या किस तरीके से उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, कहीं किस तरीके की जाँच की जाए, क्योंकि बीजेपी हो कांग्रेस हो दोनों जो हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा है वाई एस शर्मिला, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं बंडी संजय, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट तलब करी है और कैसे इस मामले का जाँच आगे बढ़ाया जाए, दोषियों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसके बाबत जानकारी मांगी है। आशीष, एबीपी न्यूज, तिरुमला। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.